राजन के श्री चरणों में ये बाड़ी नमन करता है। हे बाड़ी के जी राजन, आज तेरा ये राजा मोरध्वज तेरे पास में अपने एक जरूरी काम से आया है। लेकिन राजन, यदि आपको कोई काम था तो मुझे ही बुलवा लिया होता, आप क्यों यहाँ पे चल करके आए हैं? बाड़ी के हाँ, काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे ही तेरे पास में आना पड़ा। अच्छा हाँ, लेकिन ऐसा क्या काम था कि आपको मेरे पास में आना पड़ा? मुझे तेरा आरा चाहिए। लेकिन क्यों क्यों? हे राजन, यदि आपको कोई पेड़ कटवाना है, अपने महाराज से सवाल करते हो कि क्यों? हाँ, क्योंकि यदि आपको कोई पेड़ कटवाना है तो मैं खुद चल करके उस पेड़ को काट दूंगा, आपको क्या जरूरत पड़ रही है आरा की? हे बाड़ी के जी, आज तेरे आरे से मुझे किसी पेड़ को नहीं काटना, और आज तेरा लकड़ी काटने वाला आरा मेरे इकलौते बेटे धीरध्वज को चीरेगा। लेकिन राजन, ये क्या कह रहे हैं आप? इस आरे में ऐसी तेज धार लगा दे ताकि पुत्र को चीरते वक्त ये आरा कहीं रुक ना पाए। लेकिन राजन, ये नहीं हो सकता। आप बहुत ज्यादा उदास भी हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मुझे विचलित भी दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे। क्या पूछना चाहते हो तुम? ओ ने मन साफ बता राजन, क्यों चाहिए तुमने आरा? ओ तेरे आरे से बाढ़ी के चीरे साची बात से चंगी। ओ मैं तो आरा मांगण आया, अति साची बात से चंगी। कुछ बात जमीना दिल में के अड़ी मुसीबत चंगी। आरे की जरूरत भारी, साधु आए सत्संगी। ओ आरे की जरूरत भारी, साधु आए सत्संगी। हुई संतों ने ओ के तंगी, हुई संतों ने दिमाग मेरा चकनारा। तेरे आरे से बाढ़ी के चीरेंगे बेटा प्याला। ओ तेरे आरे से बाढ़ी के चीरेंगे बेटा प्याला। शेर जी मावण ल्याए, दो साधु जी महलों में एक शेर जी मावण लाए। मन अचरज सा हो रहा से, तुम किसने भूप भगाए? संतों का शेर से भूखा, जो मांस पूत का खाए। संतों का शेर से भूखा, जो मांस पूत का खाए। अकल मेरी चकनाए, ओ अकल
जी माते नत वचन हार करवावे। यूं कह रे शेर जी माते नत वचन हार करवावे। अरे बेटे ने मरवावे ओ थरे बेटे ने मरवावे, अपराध कर रहे भारा तेरे आरे से माटी के चीरे के बेटा प्यारा। मैं डूबा ठीक है, डूबा तू फिकर